अच्छा जैसे अपन ने कल टेस्ट कंडक्ट की, तो टेस्ट के अंदर अपन को ग्रुपिंग मेथड जो है वो अपने नहीं आया कि भाई ग्रुपिंग मेथड उसको कैसे सॉल्व करता है, हाउ टू सॉल्व दिस ग्रुपिंग मेथड। तो देखो ग्रुपिंग मेथड जो है बहुत सिंपल तरीका है उसका, और नाम से उसका काम है। जब अपन को डेटा दिया होता है, ठीक, जैसे कि अपन को एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्स बोलो या फिर क्लास इंटरवल बोलो, जैसे भी आपको डेटा दिया, जैसे कि अपन ने कल क्वेश्चन देखा था तो उसके अंदर 60, 61, 62, 64, 65 ऐसे करते करते 69 तक या 70 तक कुछ नंबर थे और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो सबसे पहले ना ग्रुपिंग मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप है वो समझो। पहला स्टेप है ग्रुपिंग टेबल बनाओ। पहला स्टेप क्या है? ग्रुपिंग टेबल बनाओ। दूसरा स्टेप है ग्रुपिंग टेबल के बाद में, दूसरा स्टेप जो है वो है एनालाइजिंग टेबल। ठीक है, तो एनालाइज करो, तो एनालाइजिंग टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, एनालाइजिंग टेबल से ना आप डिराइव करोगे कि मॉडल क्लास कौन सा है। अब मॉडल क्लास आप इसमें इस तरीके से निकालते हो। अच्छा, अगर मैं ये ग्रुपिंग मेथड नहीं करता हूं, अच्छा मॉडल क्लास निकालने के बाद में पता ना क्या होता है, मोड का फॉर्मूला लगेगा। मोड का फॉर्मूला याद है? लोअर लिमिट प्लस F1 - F2 अपॉन 2F1 - F0 - F2, यही है ना फॉर्मूला, हाँ, ऊपर F1 - F0 आएगा F1 - F0 आएगा बराबर। तो ये फॉर्मूला, अब ये चीज इनटू का आई। इनटू आई, यस, इनटू आई हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है वो इनटू आई हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये चीज कब यूज की जाती है, जब अपने हमें हमें ये बोला जाए ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग मेथड से आप सॉल्व करो, तो ये ग्रुपिंग मेथड ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। अब अगर मुझे कोई ऐसा कहे कि सर ग्रुपिंग मेथड नहीं, आप है ना हमें दूसरे मेथड से बताओ, तो दूसरा जो मेथड है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या नाम है उसका? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है ना, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं और हमें दिखता है कि भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आएगी। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्लास या फिर मार्क्स जो भी आपको दिया हुआ हो, तो सबसे ज्यादा जो तो रिपीटेड होगा दैट इज आवर मॉडल क्लास। ठीक है, इट इज आवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल गया। अब मॉडल क्लास मिलने के बाद ना वापस से फॉर्मूला तो सेम ही है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय आई। फॉर्मूला पूरा सेम है, बस तरीका सॉल्व करने का अलग हो गया। ठीक है, एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये ग्रुपिंग मेथड हो गया और ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, बराबर। अब ऑब्जर्वेशन मेथड हमें अच्छे से आता है क्योंकि हमने 10th में भी ऑब्जर्वेशन मेथड सीखा हुआ है। तो बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड के अंदर सबसे पहले तो है ना अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, भले 2-5 मिनट अपन को एक्स्ट्रा लग जाए पर क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो क्या अपने को थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और अभी मैं जो टेस्ट लूंगा उसके अंदर एक ग्रुपिंग का भी क्वेश्चन पूछ लूंगा आपको। अब देखो इसके अंदर बोला हुआ है फाइंड द मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कल ही पूछा था, मैंने 60 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लास वाला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। अपन को दिया गया है एक्स, दिया गया है क्लास इंटरवल जो है अपन को दी गई है 0 to 5, 5 to 10, 35 से 40 तक, 0 to 5, 5 to 10 और 10 से 15, 15 से 20, देखो भाई मिस्टेक कर दूं तो बता देना, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, ये क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। क्लास इंटरवल की हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जस्ट जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, है ना। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, मेरा म्यूट किया हुआ ही नहीं था क्या, आवाज आ ही रही थी ऐसे। ओहो, 5 मिनट चले गए, चलो कोई नहीं। तो शशांक देर, हाँ भैया, यही हूँ। ओके ओके, चलो। तो अब ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन के अंदर
सबसे पहले तो ग्रुपिंग टेबल बनाना। तो ग्रुपिंग टेबल क्या कहता है ना, ग्रुपिंग टेबल ऐसा कहता है कि भाई पहले बनाओ आप एक का ग्रुप, फिर आप बनाओ दो दो के ग्रुप दो, फिर आप बनाओ तीन तीन के ग्रुप तीन। अब ग्रुप का मैं बताता हूं कैसे, पहले बनाओ आप एक का ग्रुप, फिर आप बनाओ दो दो के ग्रुप दो, फिर आप बनाओ तीन तीन के ग्रुप तीन। ठीक है, देखो तो मैं इसको है ना नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ, थोड़ा अच्छे से एक एक टेबल को अच्छे से बताता हूँ। तो ये मैं पहला ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते अपना क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल भी थोड़ा पीछे लिखते हैं ना, एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते अपन अपना क्लास इंटरवल, ये अपनी हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सिंगल सिंगल ही होती है, अलग अलग ही होती है फ्रीक्वेंसी, एक साथ में तो होती नहीं कभी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अपना एक एक का ग्रुप हो गया, ठीक है, तो इसको अपन नाम देंगे वन, फिर उसके बाद में दो दो का ग्रुप दो, फिर तीन तीन का ग्रुप तीन। अच्छा जगह है ना, जगह है तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज वापस कॉपी कर लूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। वन टू तीन तीन के ग्रुप बनाने पर है ना, ये दो दो के ग्रुप थ्री फोर फाइव और सिक्स, ऐसे टोटल छह ग्रुप बनाना है। देखो एकदम समझ में आ जाएगा, ये तो जीरो टू फाइव, फाइव टू टेन, टेन से फिफ्टीन, फिफ्टीन से ट्वेंटी, थोड़ा स्पेस भी लेते रहते हैं, ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव से थर्टी, थर्टी से थर्टी फाइव और थर्टी फाइव से फोर्टी, ये अपना हो गया थर्टी फाइव से फोर्टी तक का। फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी अपन लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी थी फाइव सेवन फिफ्टीन एटीन, फाइव सेवन फिफ्टीन एटीन, फाइव सेवन फिफ्टीन एटीन सिक्सटीन नाइन सिक्स थ्री, सिक्सटीन नाइन सिक्स थ्री। अब एक एक का ग्रुप का मतलब क्या, एक एक का ग्रुप मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर, जैसे कि एक एक का मतलब एक जन लड़ने वाला है, तो भाई जीरो टू फाइव का इंडिविजुअल फाइव हो गया, फिर इसका इंडिविजुअल सेवन हो गया, इसका सबका इंडिविजुअल, तो ये एज इट इज रहता है। इसीलिए हम जो फ्रीक्वेंसी लिखते ना उसके आगे लिख देते भाई ये वन का ग्रुप हो गया ऐसा, ठीक है। अब दो दो का ग्रुप बनाता है, तो दो दो ग्रुप कैसे बनाएंगे ना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दो जन ले लेंगे, दो जन ले लेंगे, मतलब के दो जन कैसे लूंगा मैं, यहाँ पे देखो ये दो जन ले लिया, ये दो का ग्रुप बना दूंगा और ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में वापस से यहाँ पे दो का ग्रुप है ना, तो यहाँ पे दो का ग्रुप कितना हो जाएगा टेन ट्वेंटी थर्टी थ्री, फिर उसके बाद में फिर से दो का ग्रुप कितना हो गया ट्वेंटी फाइव, फिर से दो का ग्रुप नाइन, ये अपन ने बना दिया दो दो के ग्रुप। अब फिर से अपन दो के ग्रुप बनाएंगे, मैंने क्या बोला था एक का ग्रुप, फिर उसके बाद में दो दो के ग्रुप दो, तो अब वापस से दो का ग्रुप बना रहे हैं। तो अब जब मैं दो का ग्रुप बनाऊंगा ना, अब जब मैं दो का ग्रुप बनाऊंगा तब मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि भाई पहले नंबर को छोड़ देना है, क्योंकि पहले नंबर को छोड़ूंगा तभी तो दूसरा दो का ग्रुप बनेगा, ठीक है। मतलब कि पहले अपन ने फाइव और सेवन लिया था ना, अब अपन को फाइव और सेवन नहीं लेना, अब अपन को सेवन और फिफ्टीन लेना, कितना हो गया ट्वेंटी टू, तो ये दो का ग्रुप जो है वो इधर लिख देते हैं ट्वेंटी टू, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ट्वेंटी टू, फिर उसके बाद में इन दोनों का ग्रुप। बात समझ में आ रही होगी मेरी, है ना, थर्टी फोर, फिर वापस से इन दोनों का ग्रुप नाइन और सिक्स कितना हो गया फिफ्टीन, और ये जो थ्री है, अब ये थ्री तो किसी के साथ में ग्रुप बना ही नहीं पा रहा है, जैसे फाइव किसी के साथ में ग्रुप नहीं बना पाया, थ्री भी नहीं बना पाया ग्रुप, तो भाई थ्री को अपन है ना एज इट इज यहाँ पे डैश कर देंगे, भाई इधर कोई आया ही नहीं। अब अपन को बनाना है सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न से तीन तीन के ग्रुप, बराबर समझ में आ रही है मेरी बात, अब तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे तीन। शशांक क्लियर हो रहा ना, हाँ ठीक है गुड। तो देखो अब पहले एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, ये चीज मिटा देता हूं, अब तीन तीन के ग्रुप बनाता हूं, तो फाइव सेवन और फिफ्टीन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन, तो ट्वेंटी सेवन जो है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इधर आएगा 27, ठीक है, और फिर उसके बाद में 18, 16 और 9, तो ये हो जाएगा कितना हो गया 25 और 35 और 35 और 8, 43, थोड़ा सा और नीचे लिखना चाहिए,
और सिक्स और थ्री तो कुछ कर नहीं सकते, तो भाई ये दोनों डिलीट, सिक्स और थ्री गए। अब एक छोड़ के, मतलब के फाइव को छोड़ के, अब इन तीन का ग्रुप बनेगा, तो सात आठ पंद्रह, पंद्रह और पंद्रह तीस चालीस, तो इसका टोटल आ गया चालीस। वैसे ही इन तीनों का टोटल कर देंगे, पच्चीस और छह इकतीस, तो थर्टी वन हो गया इन तीनों का टोटल। लास्ट तीन का टोटल पहले दो को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के, तो कैसा हो जाएगा ना, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के मतलब 15, 18 और 16। सही कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, 15, 18 और 16, वेरी गुड। 10, 20, 30, 30 और 44 और 5, 52, सॉरी 49, 49 सही लिखा है ना, और फिर 9, 6 और 3, 15, 3, 18, ठीक है। अब ये हो गया अपना ग्रुपिंग टेबल, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग टेबल, ध्यान रखना है ना, ये एक एक पेज से बना रहा हूं सो दैट के अपन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए चीज। ग्रुपिंग टेबल ये हो गया। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद में जो प्रोसेस आता है उसे हम बोलते हैं एनालाइजिंग टेबल। तो एनालाइजिंग टेबल के अंदर क्या हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है, जितने भी अपने क्लास इंटरवल है वो सब आ जाते हैं ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ पे, इधर अपन को सारे क्लास इंटरवल लिखने हैं। क्या क्या क्लास इंटरवल, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 35 से 40, ये अपन ने सारे क्लास इंटरवल लिख लिए। अब इधर अपन है ना लाइन बना देंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब हर ग्रुप को अपन को है ना एनालाइज करना है, हर ग्रुप को हमें एनालाइज करना है कि भाई कौन से ग्रुप में कौन सा नंबर बड़ा था सबसे। तो देखो ये तो अपन ने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल। अब यहां पे ना मैं लाइंस बना रहा हूं, वो लाइंस के ऊपर बराबर ध्यान देना, वो लाइंस कौन सी होगी, ये होगी ग्रुप वन की लाइन, ग्रुप टू की लाइन, ग्रुप थ्री की लाइन, ग्रुप फोर की लाइन, ग्रुप फाइव की लाइन, और एक और लाइन आएगी ग्रुप सिक्स की, फिर उसके बाद में लाइन आएगी टोटल की, ठीक है। थोड़ा मतलब लाइंस में ऊपर नीचे हो गया, चलेगा वो तो समझ में आ जाए, है ना, चलेगा। हाँ, ये हो जाएगा ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, ये ग्रुप थ्री, ये ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव और ग्रुप सिक्स। अब ग्रुप वन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा था, देखो ग्रुप वन में सबसे हाई, ये ग्रुप वन है, ग्रुप वन में सबसे हाईएस्ट है 18। तो 18 कौन से क्लास को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 18 जो है वो कौन से क्लास को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो 18 रिफ्लेक्ट कर रहा है सर कौन से क्लास को, 15 से 20 को। तो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे और इस जगह पे ग्रुप वन में अपन टिक कर देंगे, ग्रुप वन में हम टिक करेंगे, ठीक, ग्रुप वन में अपन टिक कर देंगे 15 से 20, बराबर 15 से 20 में था। अब वैसे अपन देखो ग्रुप टू में देखते हैं, ग्रुप टू में देखते हैं, ग्रुप टू के अंदर हाईएस्ट नंबर था 33। अब ये 33 किन दो को प्लस करने पे आया, ये पता होना चाहिए अपन को। तो 33 किन दो को प्लस करने पे आया है, 15 और 18, यानी के 33 जो है वो दो टर्म से बना हुआ है, 33 जो है वो दो टर्म से बना हुआ है, एक तो 10 से 15 और दूसरा, दूसरा 15 से 20, ठीक है। ये मतलब मैं एरो से तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग को समझ में आ जाए, एग्जाम में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती। तो भाई जो दो ग्रुप टू में ना दो का है 10 से 15 और 15 से 20, तो अपन 10 से 15 में भी एक टिक लगा देंगे, 15 से 20 में भी एक टिक लगा देंगे। अच्छा वैसे ही है ना, एक काम करते हैं, इन डायग्राम्स को थोड़ा सा, ये एरोस को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब वैसे अगर अपन बात करें किसके थर्ड ग्रुप में, तो 34 है। अब 34 किन दोनों को प्लस करने पे आया है, अगर बराबर देखो तो 34 जो है वो 18 यानी कि 15 से 20 और दूसरा है ये 20 से 25, इन दोनों को प्लस करने पे आया। तो अपन क्या करेंगे ना, वापस से कौन सा 15 से 20
और 2025 इन दो पे टिक लगा देते हैं, बराबर। वैसे फोर्थ ग्रुप में देखेंगे, तो फोर्थ ग्रुप में देखो, इनको मिटा देता हूँ। फोर्थ ग्रुप में आप बता दो मेरे को, फोर्थ ग्रुप में नहीं नहीं बेटा, हाईएस्ट नंबर देखना अपन को, हाईएस्ट नंबर कौन सा ग्रुप फोर में? 20 से 25 गुड 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 गुड, ये जो 43 है ना, तो 43 हाईएस्ट है, और 43 जो था वो बना है अपना 18, 16 और 9, सही लिख रहा हूँ, 18, 16 और 9 को टोटल करके 43 बन रहा है। तो इसका मतलब 15 से 20, 20 से 25 और उसके नेक्स्ट वाला, तो 15 से 20 में एक टिक, 20 से 25 में एक टिक और 25 से 30 में एक टिक, बराबर। अब ग्रुप 5 में देखते हैं, इन तीनों लाइन को अपन इरेज कर देते हैं। ग्रुप 5 में देखते हैं हाईएस्ट टर्म कौन सा है, 40। 40 जो है वो किन किन टर्म से बना हुआ वो भी देख लेते हैं। 40 जो है वो सबसे पहले तो एक छोड़ा था ना, हाँ, 7, 15 और 18, इन तीनों से है, बराबर। यानी कि 5 से 10, 10 से 20 और 10, इन तीनों को देखा जाए। नहीं समझ में आता बता देना मेरे को ना, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 में टिका गया। अच्छा अब है ना लास्ट ग्रुप को देख लेता, लास्ट ग्रुप में 49 है, लास्ट ग्रुप में 49 है, तो 49 किस किस पे आ रहा है देख लेते हैं। तो 49 जो है, 49 वाज टोटल ऑफ 15 और 15 से 20, 18 और 16, इन तीनों का टोटल था, यानी कि 10 से अपन को स्टैंप लगाना है। तो भाई यहाँ पे अपन टिक कर देते हैं 10 से 15 पे, 15 से 20 पे, और ये अब टोटल गिनेंगे सबका, सबका टोटल गिनेंगे। भाई यहाँ पे तो एक भी नहीं आया, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे तीन आए, यहाँ पे कितने आए, 6 आए, फिर 3 आए, फिर एक आया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। इसका मतलब क्या, मॉडल क्लास हाईएस्ट जो टाइम्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके अंदर आ रहा है, 15 से 20 पे। तो खाली इतना ही लिखना है, देयरफॉर बाय एनालाइजिंग टेबल, बाय एनालाइजिंग एनालाइजिंग टेबल वी गेट 15 टू 20 एज मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मिल गया, आगे का सम पूरा सेम हो जाता है। मॉडल क्लास मिल गया, फिर उसको बाद में अपन को क्वेश्चन पे आना है, और क्वेश्चन पे आने के बाद में अपन को फॉर्मूला पुट करना है। ये फॉर्मूला कैसा, 50 से 20 अपना मॉडल क्लास है, यानी कि ये हो जाएगा F1, इसके पहला वाला टर्म F0, और फिर ये हो जाएगा F, हाँ ये तो हो जाएगा है ना, F2, इस तरीके से फिर मोड निकल जाएगा। चलो तो अभी है ना, मतलब मैं अभी टेस्ट नहीं रख रहा हूं, अभी मैं खाली ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, और मंडे को मैं एक बार अच्छे से टेस्ट लूंगा, ठीक है, इसी चैप्टर की मीन मीडियन मोड में, मोड के क्वेश्चन और डिस्पर्शन के क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेस्ट के बारे में। अभी अपन को जितना हो सके उतना ना प्रैक्टिस करना, पेपर का लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ये आज वाला पेपर तो मेरे को आपको बता दिया, दोनों ही आंसर आपके राइट थे, थर्ड वाला जो आपको नहीं आया वो मैंने बता दिया, ठीक है। कल एक बार वापस, कल मतलब मंडे को एक बार जो भी होता है शेड्यूल, मनीष सर अपडेट कर देंगे कैसे क्या टेस्ट लेनी है क्या नहीं, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय।